अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल एदे वफा के एपिसोड 20 में आप लोग देखेंगे कि शाहज़ैन इलेक्शन जीतने के बाद एमएनए की कुर्सी संभाल लेता है। अब इस कुर्सी की वजह से उसके पास ताकत है और उस ताकत की वजह से वो सबसे बदला लेगा। फिर रानी शाहज़ैन की शिकायत उसके दादाजी से करती है तो उसके दादाजी आगे से जवाब में कहते हैं कि सबसे पहला नशा ताकत का होता है पुत्र, तो थोड़ा सब्र कर, मैं उससे बात करूँगा, मैं समझाऊँगा शाहज़ैन को। मजीद आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर हर नए आने वाले वीडियो का पता चलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे ड्रामे में कि शहरयार सीसस का इंटरव्यू देख के घर आता है तो उसके वालिद साहब जो है उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इंटरव्यू दे आए, तो वो जी कहकर अपने वालिद साहब के गले लग जाता है रोते हुए। साथ दुआ को फ़ोन करता है, बड़े ही शायराना अंदाज में कहता है कि इससे पहले दिल की धड़कन रुक जाए, जबकि सांस के बंधन टूट जाए, मेरी सांसें और तेरे कंगन टूट जाए, बता दो कि तुम मेरी कौन हो। तो दुआ आगे से कहती है कि आज तो आप बड़े शायराना अंदाज में हैं। फिर व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे कि शाहज़ैन जो है वो शहरयार के पास आता है, उसे कहता है कि जिस पैनल ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है वो हमारा अपना ही पैनल है, मैं उनको जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। शाहज़ैन शहरयार को कहता है कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। फिर व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे कि साथ की माँ रो रही होती हैं और साथ को दिलासा देते हुए कहती हैं कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आगे से साथ उनसे पूछता है कि आप कब तक ठीक हो जाएंगी, तो उनकी वालदा कहती हैं कि जब तक तुम वापस आओगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि साथ वतन से एहद वफा निभाने जा रहा है और उनकी माँ जो है इस फिक्र में घुली जली जा रही हैं और उनको कह रही हैं कि मैं तुम्हारे आने पर ही नॉर्मल होंगी अब। जी व्यूअर्स, ये था नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। फॉर ड्रामा रिव्यूज़ एंड न्यूज़ देखते रहिए आरफाज डायरी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।